राधे राधे, हरे कृष्णा। राजस्थानी तीज त्यौहार रेसिपी में आपका स्वागत है। तो ये देखिए, ये है गूंदे और इनको बोलते हैं सोड़े भी बोलते हैं और इनको लवेरा भी बोलते हैं कहीं कहीं। तो ये आज हम इसकी बनाएंगे सब्जी। और ये सब्जी अगर आप गर्मी गर्मी खाएंगे, एक महीने आते हैं, एक महीने में इतनी ताकत आ जाएगी, आप साल भर दौड़ते रहेंगे। इतनी बढ़िया ताकत है इसमें, बहुत अच्छी। और ये पेट को भी साफ करते हैं और बहुत ताकत करते हैं। तो ये देखिए, अब हमने लिए हैं यहाँ पे आधा किलो गूंदे हैं और ये डंठल निकल जाएंगे, थोड़े से आधा किलो से ज़्यादा हैं तो भी आधा किलो बचेंगे। तो अब इनको हम इनके जो ये है ना, ये उतार देंगे और इसकी बनाएंगे हम सब्जी। तो इस तरीके से इसको हम साफ कर लेंगे इस तरीके से। तो ये देखिए, हमने साफ करके रखे हैं और भी इनको पूरे साफ कर लेंगे। अभी हमने ये पूरा साफ कर लिया, ये देखिए ये हटा दिया है। अगर आपको बॉईल करके बनाने हैं तो आप इसको बाद में हटाएं, और अगर कच्चे बनाने हैं तो आप पहले हटा देवें, जिससे इसके अंदर मसाला भर जावे और इसके अंदर नमक वगैरह चल जावे। तो हम ऐसे ही बना रहे हैं इनको डायरेक्ट, इसकी टोपी हटा के। चूल्हा इधर जल गया है और इसको हांडी में बनाएंगे। इससे बहुत स्वाद आता है सब्जी का और इसकी ताकत भी दुगनी बढ़ जाती है सब्जी की। तो हमारे ये गर्म हो गई है हांडी, तो अब हम इसमें डालेंगे तेल। तो तेल हमारे को इसमें थोड़ा ज़्यादा चाहिए, क्यों अब इसको हफ्ते भर भी खा सकते हो, क्योंकि ये गूंदे ख़राब नहीं होते हैं। और ये देखिए, तेल हमने ज़्यादा डाला है इसमें। तो हमारे को सब्जी बनाने के लिए क्या क्या चाहिए, तो ये देखिए, इसमें है सौंफ और थोड़ी सी इसमें मेथी है, तो मिक्स हो गई है। और ये भी हमने मेथी ली है अलग से, और अजवाइन और जीरा और ये कलौंजी, बहुत ज़रूरी है इसमें, कलौंजी का स्वाद बहुत अच्छा लगता है। तो सबसे पहले हम डालेंगे इसमें लहसुन, लहसुन हमारा थोड़ा सा सिक जाए, कच्चा ही डालते हैं वैसे, राजस्थान में कच्चा ही लहसुन खाते हैं सब्जी में। हम थोड़ा सेक रहे हैं इसको, ज़्यादा नहीं सेकेंगे, लाल भी नहीं हुआ है इतना सेकना हमारे को, ज़्यादा नहीं सेकना। और अब हम इसमें डालेंगे, ये सारी चीज़ डाल देंगे इसमें मिक्स करके, इसको हम थोड़ा सा सेकेंगे इसको भी गोल्डन जैसे हल्का हल्का। और हंडी में देखिए दिखता नहीं है इतना, तो अभी ये सिक चुका है। अब डायरेक्ट हम डालेंगे इसमें गूंदे, तो हमारी सौंफ कलौंजी और ये हमारी सिक गई है। देखिए एक चम्मच नमक डाल देंगे इसमें पहले, जिससे हमारे गूंदे जल्दी से ना पक जाए, और बाकी के हम सामान बाद में डालेंगे इसमें। ये देखिए क्या शानदार लगते हैं, बहुत से कई लोग इसको उबाल के और निकाल के भी बनाते हैं। और ढक्कन लगा देंगे इसके 2 मिनट के लिए, मैंने 2-3 मिनट और रखे हैं। तो ये देखिए, तो ढक्कन उठाएंगे और अभी ये आधे गल गए हैं। ये देखिए, पानी हमने नहीं डाला इसमें। अब हम डालेंगे इसमें हल्दी और डालेंगे इसमें धनिया पाउडर, ज़्यादा मसाले डलते हैं इसमें तभी मस्त लगते हैं। और एक चम्मच डाल देंगे लाल मिर्ची पाउडर, और थोड़ा सा डालेंगे काला नमक। तो इसी के साथ हम डालेंगे थोड़ा सा पानी। अब है ना, इसको पकाएंगे हम 5 मिनट तक रखेंगे इस पर। ये बहुत मतलब ताकतवर होते हैं, तो इसको जो हमने ये जो अंदर की गुठली इसीलिए नहीं लगा रहा है कि सारी ताकत हमारे को इसी में रखनी है। तो ढक्कन लगाएंगे हम 5 मिनट के लिए इसमें। हमने एक केरी ली है डालने के लिए, और इसके है ना हमने 8 टुकड़े कर लिए काट के। तो अब हम केरी डालेंगे इसमें, क्योंकि हमारे गूंदे गलते नहीं है फिर। इसको केरी को डाल देंगे और बाद में हिलाएंगे, ऊपर ऊपर से हमारे गल जाएगी, नीचे हमारे गूंदे हैं।
दो से तीन मिनट हो गए केरी डाले हुए। अब हम ढक्कन उठा के चेक करेंगे। देखिए हमने ऊपर ही रखी थी केरी, इसको ये देखिए ऊपर से सफाइट है और इधर से ये देखिए ये गल, ये देखिए ये ऐसी हो गई है। अब हम इसको हिला सकते हैं कि हमारे बूंदे गल चुके हैं। देखिए गल गए जब तो इस पर चिपक गया। देखिए अब हमारी केरी भी गल जाएगी दो मिनट में। केरी बहुत जल्दी गल जाती है और केरी को बाद में डालें, आपके बूंदे नहीं गलेंगे। सब्जी बन के तैयार है। एक मिनट के लिए ढक्कन लगाएंगे इसमें। तो हमारे एक मिनट हो गया है, ढक्कन उठाएंगे। हमारी केरी भी गल चुकी होगी। देखिए केरी भी हमारी गल गई है और हमारी सब्जी बनके तैयार हो गई है। ये देखिए ये केरी भी हमारी गल गई है। और अब हम इसको गैस चूल्हे को बंद कर देंगे और निकालेंगे प्लेट में। ये देखिए ये गूंदे की सब्जी आप अगर खाओगे ना तो आपका हाजमा भी बिल्कुल सही रहेगा और आपका पेट भी सही रहेगा और ताकत भी बहुत करेगा। ये आपको कमज़ोरी कभी महसूस नहीं होगी। तो राधे राधे हरे कृष्णा। राजस्थानी तीज त्यौहार रेसिपी में देखते रहिए और अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो आप मुझे लाइक करें और शेयर करें और कॉमेंट ज़रूर करें।